बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का टॉपिक है फिशेस कन्फ्लुएंस एनालिसिस फॉर डिटेक्टिंग मल्टीकलिनिटी, या इसको बेंच मैप एनालिसिस भी कहते हैं या कन्फ्लुएंस एनालिसिस भी कहते हैं। इसके थ्री डिफरेंट नेम है। इसको फिशेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको रिग्नार फिशेस ने 1930 में डेवलप किया था। कन्फ्लुएंस एनालिसिस आल्सो सॉट टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ बोथ वेरिएबल चॉइस एंड मॉडल सिलेक्शन। इसको वेरिएबल्स की चॉइस और मॉडल की सिलेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। वेरिएबल की सिलेक्शन के लिए भी कुछ मेथड्स हमने पढ़े हैं और मॉडल की सिलेक्शन के लिए भी कुछ मेथड्स पढ़े हैं। ये मेथड्स थ्योरेटिकल भी हैं और स्टैटिस्टिकल भी हैं। हम कहते हैं कि वो हमारे पास वेरिएबल्स मॉडल में होने चाहिए जो मोस्ट रेलिवेंट हो और सिग्निफिकेंट हो, और मॉडल भी हमारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। दैट शुड ऑल्सो एक्सप्लेन द रियलिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो प्रॉब्लम्स ऑफ द रियल वर्ल्ड हैं या रियलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, मॉडल को उसको एक्सप्लेन करना चाहिए इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन द बेस्ट सिंपलेस्ट वे, इन द एक्सप्लेन सेंस। यानी कि जो मॉडल है वो आपका, उसकी वैल्यू जो होगी एज पॉसिबल आर स्केयर उसका मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि वो बहुत उसका आर स्केयर, हम उस मॉडल को हाई कहते हैं जिसके अंदर जो एक्स वेरिएबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हों वाई की वेरिएशन को। वाई की वेरिएशन जितनी ज़्यादा एक्स वेरिएबल्स के एक्सप्लेन करेंगे, मॉडल की जो आर स्केयर की वैल्यू होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी इक्वेशन और टर्मिनेशन की वैल्यू। अब फिशेस कन्फ्लुएंस एनालिसिस से हम किस तरह मल्टीकलिनिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं? इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए टू पॉइंट्स हैं। एक है थ्रेटिकल मेथड, थ्रेटिकल क्राइटेरिया, एंड सेकंड वन इज स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया। थ्रेटिकल क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं हमारा, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट तो वो तो सेम रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं होगा, कोई भी एग्जांपल है। लेकिन सेकंड जो चीज़ है, क्योंकि हम ऑलवेज हम स्टडी ही डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी नहीं करते। हम जो वेरिएशन है वो हम चेक कर रहे होते हैं ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल की, y वेरिएबल की। तो वो वेरिएबल जो है वो ऑलवेज सेम रहेगा, तो उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो x वेरिएबल्स के लिहाज से आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए? थ्रेटिकली हम ये देखेंगे, एक रिसर्चर ये देखेगा कि जी डिपेंडेंट वेरिएबल किस वेरिएबल के साथ हाईली कोरिलेटेड है। ये एक जनरल सेंस है, थ्रेटिकल बेस पर भी हम कह सकते हैं कि जी कोई भी अगर किसी मुल्क की इकॉनमी है वो उसकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। वायरस था पाकिस्तान में, कॉमी बहुत डाउनफॉल होगी, तो सबसे पहले जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओपन किया जाएगा ताकि इकॉनमी को अप किया जाए। ये इकॉनमी की एक जस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है ये हाईली कोरिलेटेड है विद द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये एक थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हम कहते हैं कि जी ठीक है, अगर थ्रेटिकल ठीक है, हम GDP को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या उनकी वैल्यू या GDP की कोई वैल्यू होगी या KS इंडेक्स के जो पॉइंट्स होंगे उसको, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो भी पॉइंट्स वगैरह आ रहे होंगे उनकी जो वैल्यू होगी उसके साथ हम मिला के हम कोरिलेशन चेक करेंगे। इफ़ दिस इज़ हाईली कोरिलेटेड देन वी स्टार्ट आवर फर्दर प्रोसेस। इस तरह हम अपने प्रोसेस को, बेंच मैप एनालिसिस को, या फिशेस कन्फ्लुएंस एनालिसिस या कन्फ्लुएंस एनालिसिस इसको भी कहते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड पॉइंट तक ये बात होगी, थर्ड पॉइंट ये, देन वी ऐड द अदर एक्स वेरिएबल वन एट ए टाइम इन द मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी और स्टैटिस्टिकल क्राइटेरियन। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट तक तो ये था कि हमने कोई एक पॉइंट ऐड कर लिया, एक्स वेरिएबल ऐड किया। अब थर्ड पॉइंट में भी इस तरह के, जब हम पहला वेरिएबल ऐड कर लेंगे हम कहेंगे ठीक है ये ज़्यादा कोरिलेशन है, उसके बाद मॉडल में ऐड कर लिया, अब थर्ड वेरिएबल भी हम एक और ऐड करेंगे। अब थर्ड वेरिएबल भी वो होना चाहिए जो हम समझते हैं कि जी
ये y वेरिएबल के साथ ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड है। अब फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे आफ्टर एडिंग ए न्यू वेरिएबल देर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज। जब हम किसी वेरिएबल को, एक न्यू वेरिएबल को मॉडल के अंदर ऐड करेंगे तो उसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तीन पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबल है कि वो रेलिवेंट हो, पॉसिबल है कि वो थोड़ा सा रेलिवेंट हो, पॉसिबल है कि वो बिल्कुल भी रेलिवेंट ना हो। तीन पॉसिबिलिटीज वैसे आ सकती हैं, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी बल्कि ये भी हो सकती है, इस तरह हो सकती है, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, कि जो वो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। सेकंड उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो थोड़ा सा रेलिवेंट है, उसके ऐड होने से आर स्क्वायर में भी फ़र्क पड़ा है, वो उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू भी आ गई है, टेस्टिंग भी ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसके ऐड होने से आर स्क्वायर जो है वो बिल्कुल ही जंप कर गया, उसके अंदर एक तो कहते हैं ना थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, और एक बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। वो उसके अंदर पहले जो आर स्क्वायर हमारा 50 पे था, 0.50 या 50%, वो जंप करके 80% पर चला गया जस्ट एक वेरिएबल के ऐड होने से। तो इस तरह तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी वन है जहाँ पर उसको डिफाइन किया गया है, न्यूली एडेड वेरिएबल डू नॉट इम्प्रूव आर स्क्वायर। जो न्यू वेरिएबल हमने ऐड किया था उसने आर स्क्वायर को इम्प्रूव नहीं किया ऑफ द मॉडल, एंड इट डजंट इफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस मॉडल। जो एक प्रीवियस मॉडल जो हमने पहला एक वेरिएबल लेके मॉडल बनाया था उसको भी उसने कोई इफेक्ट नहीं किया। मॉडल यानी कि वेरिएबल ऐड हो गया लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, ना आर स्क्वायर उसका इंक्रीज हुआ, ना तो उसकी टेस्टिंग वो सिग्निफिकेंट आई। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इन दिस केस न्यू एडेड वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज इररेलेवेंट। तो इस केस में क्या होगा जी, कि जो नया वेरिएबल जो हमने ऐड किया है वो इररेलेवेंट होगा एंड विल बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बिकॉज इट हैज़ नो इफेक्ट। तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट भी मॉल के ऊपर नहीं है, ये एक बोझ है। हम बजाय के ऐसे वेरिएबल को रखें, इसके लिए एनालिसिस करें, इसके लिए कलेक्शन करें डाटा की, हम ऐसे वेरिएबल्स को निगलेक्ट कर देंगे, एक्सक्लूड करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अब पॉसिबिलिटी टू है। अब पॉसिबिलिटी टू कह रही है कि जी न्यू एड जो वेरिएबल है इसने आर स्क्वायर को इम्प्रूव किया है बट डज नॉट इफेक्ट प्रीवियस रिजल्ट्स। इसने प्रीवियस रिजल्ट्स को इफेक्ट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑन थ्रेटिकल ग्राउंड्स। अब साइंस एंड मैग्नीट्यूड का यहाँ पर क्या मतलब है और आर स्क्वायर के इम्प्रूव होने का क्या मतलब है, ये चीज़ें एक दफ़ा गौर करने वाली हैं। कि न्यू वेरिएबल तो ऐड कर लिया, उसने आर स्क्वायर को इम्प्रूव तो कर दिया है, लेकिन वो इफेक्ट जो है प्रीवियस रिजल्ट्स के लिए, उसके साइन के लिए और मैग्नीट्यूड के लिए थ्रेटिकल ग्राउंड पर सिग्निफिकेंट नहीं है, डो नॉट इफेक्ट हो रहा है। अब इसका मतलब यह है कि हमने पहले टू वेरिएबल से हमने उसका आर स्क्वायर कैलकुलेट किया, आर स्क्वायर उसका आ गया 0.50 50%। अब थर्ड वेरिएबल आया, उसने आर स्क्वायर को इम्प्रूव कर दिया। अब इम्प्रूव करने से यहाँ पर क्या मुराद है? इम्प्रूव करने से मुराद ये है कि जो आर स्क्वायर था वो 50 से 55 चला गया, 53 हो गया, 57 हो गया या 56 हो गया, मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर इफेक्ट आ गया है और साथ में वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट भी आ गया, बट डू नॉट अफेक्ट प्रीवियस रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इन साइंस यहाँ पर मुराद है कि वो उसने एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट एक ड्रामेटिकली इफेक्ट नहीं किया, यानी कि जो 50 की वैल्यू थी वो 70 पे नहीं गई, वो एक 80 पे नहीं गई, यानी कि उसकी एक जो डिफाइन करने की कैटेगरी है वो चेंज नहीं हुई। जिस तरह हम कहते हैं कि कोरिलेशन को डिफाइन करने की कैटेगरीज है कि जी कोरिलेशन की तो वैल्यू होती है -1 से +1 के बिटवीन, अगर माइनस साइड पर हो तो नेगेटिवली कोरिलेटेड, प्लस की साइड पर हो तो पॉजिटिव कोरिलेटेड। तो अगर पॉजिटिव साइड पर यानी कि अगर वैल्यू 0.80 से हायर हो, 0.80 से 1 तक, कुछ बुक्स में ये है कि 0.70 से 1 तक, तो इसको हम कहेंगे कि हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड, देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप,
लेकिन अगर वैल्यू हो के जी 0.5 से लेके 0.75 तक या 70, तो यानी कि डिफरेंट बुक्स के क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ कि जी 0.5 से लेकर 0.75 तक अगर वैल्यू, तो ये है मॉडरेट कोरिलेशन। अगर वैल्यू जो है वो 0.5 से बिलो है 0 तक, उसके बिटवीन है, तो ये वीक कोरिलेशन है। अब यहाँ पर साइन इन मैग्नीट्यूड से मुराद है कि अगर वैल्यू 0.40 है तो इसको हम कहेंगे वीक कोरिलेशन है, अगर 0.60 वैल्यू आ गई या 0.55 वैल्यू आ गई तो उसको हम कहेंगे मॉडरेट कोरिलेशन। अब यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हुई है, अब चेंज ये हुई है साइन इन मैग्नीट्यूड। पहले एक साइन इन मैग्नीट्यूड बता रहा था कि जी कोरिलेशन वीक है 0.40 पर, लेकिन कोई वेरिएबल कोई ऐड करने से या कोई ज़्यादा वैल्यूज लेने से उसकी कोरिलेशन 0.55 पे आ गई, तो ये साइन इन मैग्नीट्यूड मॉडरेट से लेके वीक से लेके जंप कर गए मॉडरेट कोरिलेशन की तरफ। इसी तरह पोर्शन और टर्मिनेशन भी साइन इन मैग्नीट्यूड यही कहता है कि अगर ये अगर न्यू एडेड वेरिएबल से जो रिजल्ट्स की इम्प्रूवमेंट है वो 15.20 पॉइंट्स या 0.50 से लेकर 70 तक 0.70 तक या 0.80 तक चली जाए, तो ये साइन एंड मैग्नीट्यूड जो है इससे चेंज हो रहे हैं। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी टू में तो ये था कि आर्स के जस्ट इंक्रीज हुआ है साइन एंड मैग्नीट्यूड, या जिसको हम ये कहें कि वो हाई इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये इस केस में हम क्या करेंगे, इन सच केस न्यू वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज रेलिवेंट, तो इस केस में हम कहेंगे जो नया वेरिएबल है ये एक रेलिवेंट है एंड विल बी टेकन एज ए सेट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो इस केस में ये होगा कि जो वेरिएबल है उसको एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के सेट में ऐड करेंगे, बेशक वो साइन एंड मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसने आर्ट स्केल को इम्प्रूव किया है तो इसके लिए है, तो इस वजह से हम उस वेरिएबल को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में ऐड करेंगे। अब थर्ड है पॉसिबिलिटी थ्री। पॉसिबिलिटी थ्री कह रही है कि जो न्यू वेरिएबल हमने ऐड किया है उसने आर स्केयर को भी इम्प्रूव किया है, ऑल्सो इफेक्ट द प्रीवियस रिजल्ट, उसने प्रीवियस रिजल्ट को भी इफेक्ट किया है, सो दैट पैरामीटर एस्टीमेट्स, जो पैरामीटर एस्टीमेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिकम अनएक्सेप्टेड ऑन द थ्योरेटिकल ग्राउंड्स और स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स। उसने जो है न्यू एड वेरिएबल्स ने आर स्केयर को भी इम्प्रूव किया है और साथ में उसने साइंस एंड मैग्नीट्यूड को भी इम्प्रूव कर दिया है, मतलब जो वैल्यू हमारे पास 0.50 आई थी वो अब 0.70 या 0.80 आ गई, जो कि थ्योरेटिकल ग्राउंड पे अनएक्सेप्टेबल है कि जी एक ही वेरिएबल के ऐड होने से आर स्केयर की वैल्यू इतनी ज़्यादा ड्रामेटिकली इफेक्ट हो रही है। तो ये थ्योरेटिकल ग्राउंड पे वो कहता है कि जी थ्योरेटिकल या स्टैटिस्टिकल ग्राउंड पे अनएक्सेप्टेड चीज़ है। इन सच केस न्यू एडेड वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज डिटरमेंटल, इस केस में जो न्यू एडेड वेरिएबल होगा उसको डिटरमेंटल समझा जाएगा, दिस इज ए सिम्पटम ऑफ मल्टीपलैरिटी, ये एक मल्टीपलैरिटी का सिम्पटम्स है, सो वी हैव टू अडॉप्ट सम रेमेडियल मेजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बैड इफेक्ट ऑफ द मल्टीपलैरिटी। तो इस केस में क्या होगा कि ये एक साइन है कि मल्टीपलैरिटी आ जाएगा, तो हम कोई रेमेडियल मेजर्स कोई इसकी मेडिकेशन करेंगे, इसको मेडिसिन देंगे ताकि ये जो मल्टीपलैरिटी की ये जो बीमारी है ये डिक्रीज हो जाए। But while applying remedial measure, it should be noted that we cannot drop a detrimental variable because if we do, we will be creating a specification problem. Detrimental जो एक variable होता है ये इसकी importance भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो ये है कि जी इसने आर स्केयर को इम्प्रूव कर दिया, आखिर कोई ना कोई रीज़न है कि ये आर स्केयर को इम्प्रूव भी कर रहा है, ये तो कम्प्लीटली ऐसी बात तो नहीं हो सकती कि जी कि आर स्केयर जो इम्प्रूव हो रहा है न्यू एडेड वेरिएबल में ये एक मल्टीपलैरिटी का साइन है। इसके अलावा बहुत से इफेक्ट हो सकते हैं, एक वेरिएबल जो है वो जेन्युइनली तौर पर एक स्ट्रॉन्ग वेरिएबल भी हो सकता है कि जी इससे आर स्केयर इंक्रीज हो, ये इस तरह नहीं हो सकता है कि जी जो वेरिएबल ऐड किया है जो भी ऐड किया है उसने उसका जो इफेक्ट है वो मल्टीपलैरिटी के लिए ही है जाए, तो इसलिए हम इस तरह वेरिएबल को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि रेमेडियल मेजर में हमारे पास एक रेमेडी थी कि जी हम एक वेरिएबल को ड्रॉप कर देते हैं कि ताकि हमारी जो मल्टीपलैरिटी है
वो रिमूव हो सके। लेकिन वहाँ पर भी डिफाइन किया गया था कि हम इस तरह वेरिएबल को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह ड्रॉप करने से हमारे आर्ट्सकेप पर भी इफेक्ट हो सकता है, हमारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। कि यानी अगर इसकी एग्जांपल यही है कि आपके लिए मैं यही बता देता हूँ कि जी जो वीट प्रोडक्शन है वो इफेक्ट कर रही है वाटर के ऊपर, अगर वाटर की वजह से उसके पॉइंट्स की वजह से मल्टीपलैटी आती है तो ये कभी नहीं हो सकता कि हम वाटर के जो वेरिएबल है उसको हम वैसे ही ड्रॉप कर दें। ये क्योंकि ये एक डिटरमेंटल वेरिएबल, ये एक स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है। जीपीए के केस में आपके स्टडी आवर्स एक स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है, डिटरमेंटल वेरिएबल। अगर इन वेरिएबल्स की वजह से मल्टीपलैरिटी का कोई इफेक्ट आ रहा है तो हम ये नहीं कर सकते कि इनको वैसे ही मूव कर दें। अगर इकॉनमी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ओपन होने से कोई उसके मॉडल के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि जी ये एक वेरिएबल इससे मल्टीपलैरिटी आ रही है इसको मूव कर दें। अगर एक बंदे के एक्सरसाइज करने से उसके ब्लड प्रेशर पॉइंट्स में डिक्रीज आ रहे हैं लेकिन उसकी वजह से वो एक कंप्लीट जो मॉडल होगा ब्लड प्रेशर के लिए तो उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी रनिंग के निगलेक्ट कर दें। ये एक डिटरमेंटल वेरिएबल है कि एक रनिंग की वजह से ही तो मेन इफेक्ट आ रहा है उसके ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो ऐसे वेरिएबल जो डिटरमेंटल वेरिएबल है इसको ड्रॉप भी नहीं किया जा सकता, अगर ड्रॉप कर दें तो मॉडल की स्पेसिफिकेशन बायस आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स फॉर ए मॉडल फ्रॉम ए बिग लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। प्रीवियस हमने ये भी डिफाइन किया था, ये जो फिशेस कन्फ्यूजन एनालिसिस में हमने वेरिएबल्स को ऐड किया था वन बाय वन, उसकी कोरिलेशन को चेक किया था, सिग्निफिकेंस वैल्यूज को चेक किया था, आर स्क्वायर को चेक किया था, उसके बाद हम मॉडल में ऐड करते हैं। अब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की सिलेक्शन किस तरह हो उसके लिए ये डिफरेंट मेथड्स हैं, फोर डिफरेंट मेथड हैं। क्योंकि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कभी भी आपके पास किसी भी मॉडल के लिए जेन्युइन केस में एक जो थ्रेटिकल ग्राउंड्स हैं आपके पास हमेशा एक या दो वेरिएबल नहीं होते, आपके पास जो वेरिएबल हैं उसके तो लाइन लगी होती है 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितने चाहे आप वेरिएबल्स कर सकते हैं। हमेशा इकॉनमी के जो वेरिएबल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एक कम वेरिएबल नहीं होते, वो तो हम अपनी सेंस से अपने खुद से हम क्या करते हैं कि 5-7 वेरिएबल ले लिए और बाकी सबको एरर में डाल दिए, ये तो हम खुद करते हैं। लेकिन जनरल तौर पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी कम वेरिएबल नहीं होते, वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। टू चूज मोस्ट प्लॉजिबल सेट ऑफ एक्स वेरिएबल वी हैव डिफरेंट मेथड, एक प्लॉजिबल सेट जो है एक्स वेरिएबल उसको चूज करने के लिए डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड है ऑल पॉसिबल रिग्रेशन, ये एक पहला मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि जी एस्टिमेट ऑल पॉसिबल रिग्रेशन, चूज दैट मॉडल एज मोस्ट प्लॉजिबल इन विच ऑल वेरिएबल्स आर सिग्निफिकेंट आर स्केयर इज हायर एज कम्पेयर टू अदर सच मॉडल्स। मॉडल्स की जो है वो एक किस्म नहीं है, मॉडल जो है वो सिंपल भी होता है, मल्टीपल भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, लॉग मॉडल भी होता है, लीनियर लॉग मॉडल भी होता है, लॉग लॉग मॉडल भी होता है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं इकॉनमी के लिहाज से या वैसे रिग्रेशन के लिहाज से। तो ऑल पॉसिबल रिग्रेशन क्या कहती है कि आप कोई भी डेटा है उसके लिहाज से आप डिफरेंट मॉडल्स को आप कैलकुलेट करें और उसके बाद देखें हर मॉडल का आर स्केयर चेक करें, जिस मॉडल का आर स्केयर चेक है आप उसको एज ए सिलेक्टेड मॉडल ले सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर सच मॉडल। एनी अदर मॉडल सिलेक्शन मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड, इसके अलावा भी कोई और मॉडल जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई और मेथड भी कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल रिग्रेशन में जस्ट इतना ही है कि आप डिफरेंट मॉडल लें, उनके ऊपर वेरिएबल्स अप्लाई करें और उनको देखें कि किसका आर स्केयर ज़्यादा है, और जिसका आर स्केयर ज़्यादा है आप उसको एज ए सिलेक्टेड मॉडल ले सकते हैं। आप इसमें ये भी हो सकता है कि आप एक वेरिएबल से सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कैलकुलेट करें, दो से करें, तीन से करें, ये भी डिफरेंट मॉडल बन सकते हैं। तो उनके दरमियान भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आर स्केयर ज़्यादा है, जिस तरह आपको बल्कि पेपर में एग्जाम्पल दी थी
कि डिफरेंट मॉडल्स हैं MQRs के डिफाइन किए गए, आपने चेक करना है कौन सा मॉडल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। साथ में रेलिवेंस आपको दिया गया था आर स्केयर के, आर स्केयर को भी आपने कीप इन माइंड और साथ में एक्स वेरिएबल्स को भी कीप इन माइंड रखते हुए अप्रोप्रिएट मॉडल चेक करना है। वहाँ पर आई थिंक 4 मॉडल था जिसकी आर स्केयर की वैल्यू आई थिंक 0.84 थी और उसके अंदर वेरिएबल भी शायद 1 या 2 थे। आपने उस मॉडल को चेक लिया था एज़ कम्पेयर, हालांकि एक और मॉडल भी था जिसकी वैल्यू थी 0.87 लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल थे वो 3 थे। वहाँ पर आपने फोर्थ मॉडल जो है जिसके अंदर 1 या 2 वेरिएबल थे उसको सिलेक्ट किया था क्योंकि आपने कहा था कि यहाँ पर जो है सिंपलिसिटी रूल जो है वो भी हमारा अप्लाई हो रहा है, वो भी हमारा सूटेबल हो रहा है, तो इसलिए हमने 0.84 जिसका आस्केर आया था उसी को सिलेक्ट किया बजाय कि 0.87 जिसका आस्केर मॉडल का आ रहा था जिसके अंदर वेरिएबल्स भी ज़्यादा थे। उसके कंपैरेटिवली जो 0.884 था आस्केर उसको हमने सिलेक्ट किया। इस तरह ऑल पॉसिबल रिग्रेशन में आपने मॉडल की सिलेक्शन करनी। सेकंड है प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन या बैकवर्ड सिलेक्शन। इसमें यह होता है कि सारे वेरिएबल्स को एक ही दफ़ा मॉडल के अंदर ऐड करके एक मॉडल बना दिया जाता है। स्टार्ट विद ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एस्टिमेट मॉडल्स विद कंप्लीट सेट ऑफ xi। xi के सारे सेट को मॉडल में रखते हुए उसका जो है मॉडल एस्टिमेट कर लिया जाता है। ये काम तो मुश्किल नहीं है क्योंकि अब तो सॉफ्टवेयर आपने जस्ट डेटा पुट करना है, आपने क्यूरी लगानी है, आपको सारे रिजल्ट्स पूरा मॉडल मिल जाता है। नाउ सी विच वेरिएबल्स आर नॉन सिग्निफिकेंट आउट ऑफ दिस नॉन सिग्निफिकेंस वेरिएबल्स, ड्रॉप द एक्स वेरिएबल विच हैज़ मिनिमम टी स्टैटिस्टिक और टी वैल्यू। अब इसमें क्या होगा कि हमने कौन से वेरिएबल को ड्रॉप करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि आर स्केयर क्या है। आर स्केयर हमारे पास वैल्यू आ गई, मॉडल को एस्टिमेट कर लिया, मैं कहता हूँ 5 वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब 5 वेरिएबल का एक वेरिएबल के साथ आर स्केयर आपने कैलकुलेट कर लिया जी, एग्जांपल के तौर पर 0.89 आ गया। अब उस मॉडल में आप देखेंगे किसी एक वेरिएबल को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, उसके लिए टेस्टिंग करेंगे, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब टी टेस्ट अप्लाई करेंगे देखेंगे कि वेरिएबल सिग्निफिकेंट है कि नहीं, अगर तो ये सिग्निफिकेंट है तो ठीक है, तो फिर आप उसको एक्सक्लूड करके निकाल के दोबारा आर स्केयर चेक करेंगे। अब आर स्केयर दोबारा चेक किया, पहले तो आर स्केयर की वैल्यू थी 0.89, अगर दोबारा आर स्केयर चेक करने से वैल्यू जो है वो 0.88 आई या एक सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं आया या एक अगर सिग्निफिकेंट फ़र्क आ रहा है यानी कि 89 से 80 पे आ गया तो हम क्या करेंगे उसको मॉडल में रखेंगे, अगर सिग्निफिकेंट फैक्ट नहीं आया तो हम क्या करेंगे इसको निकाल देंगे, हम कहेंगे क्यों हमने इतना खपना है इस वेरिएबल के ऊपर इसके डाटा के लिए, इसको निकाल दें क्योंकि इसके ऐड होने से आर स्केयर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि अगर तो सिग्निफिकेंट नहीं है टी वैल्यू लगाने से तो हम वहाँ पर भी इसको निकाल सकते हैं। तो इसी तरह ये प्रोसीजर जो है ये हम हर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनली जो हमें मॉडल मिलेगा विद सूटेबल आर स्केयर और साथ में सिग्निफिकेंट टी स्टैटिस्टिक वैल्यूज उसको हम रिटेन करेंगे रखेंगे, बाकियों को हम छोड़ देंगे। इसी तरह ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है अंटिल वी गेट आवर फाइनल सिलेक्टेड मॉडल। प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, अब यहाँ पर है प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, फॉरवर्ड सिलेक्शन। अब ये जो पहली सिलेक्शन हुई थी बैकवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड सिलेक्शन में ये था कि मुकम्मल वेरिएबल्स को हमने ऐड कर लिया, उसके बाद मॉडल को एस्टिमेट किया, उसकी टी स्टैटिस्टिक वैल्यू को चेक किया और वन बाय वन मॉडल को हम वेरिएबल को मॉडल में से निकालते गए। ये जो प्रोसेस है प्रोग्रेसिव सिलेक्शन ये कम्प्लीटली उसके उल्ट है। इसमें ये क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को ऐड करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंट चेक करते हैं, उसको आर स्केयर चेक करते हैं और उसके बाद अब सबसे पहले वो वेरिएबल हमने ऐड करना है जो मोस्ट कोरिलेटेड ऑफ विद वाई, हाईली कोरिलेटेड, उसको लिया और उसके बाद जो है मॉडल को एस्टिमेट किया, आर स्केयर चेक किया, सिग्निफिकेंट चेक की, सारा कुछ जो भी चेक कर लिया। अब मॉडल के अंदर हमने एक न्यू वेरिएबल को ऐड करना है। अब न्यू वेरिएबल को ऐड करने के बाद हमने ये देखना है कि जी आर स्केयर में इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि मॉडल जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं।
अब इन दोनों मैयस को हम कीप इन माइंड रखते हुए हम उस वेरिएबल को या तो अपने मॉडल के अंदर रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। किस बेस पर रखेंगे, ये एक तो चीज़ ये है कि वेरिएबल जो है सिग्निफिकेंट होना चाहिए उसकी टी वैल्यू, और दूसरा ये है कि उसका आर स्क्वायर जो है उसको ऐड करने से वो भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं उसके मॉडल के ऐड करने से, आर स्क्वायर भी इंक्रीज हो रहा है और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है, तो उसको हम रखेंगे, अदरवाइज उसको निकाल देंगे। उसके बाद फिर हम नया वेरिएबल लाएंगे, चाहे वो आ रहा है चाहे वो नहीं आ रहा है, उसका उसको रिटेन कर रहे हैं या उसको नहीं कर रहे, एक वेरिएबल के बारे में या उसके बारे में फैसला करके हम न्यू वेरिएबल को ऐड करेंगे। अब न्यू वेरिएबल के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, उसके लिए सिग्निफिकेंस चेक करेंगे, उसका भी आर स्क्वायर चेक करेंगे, ये सारा काम हम चेक करते रहेंगे अनटिल वो ये अनटिल हमें को ये मॉडल जो है वो हमारा एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होता। जो भी हमारे पास हमने 5 वेरिएबल से 10 वेरिएबल से उनके ऊपर ये सारा प्रोसेस करना है बाय एडिंग 1 by 1 वेरिएबल। सारे पॉइंट्स पे ये प्रोसीजर जो मैंने आपको बता दिया ये आप पढ़ लीजिए। लास्ट फोर्थ मेथड है स्टेज वाइज रिग्रेशन। स्टेज वाइज रिग्रेशन क्या होती है, स्टार्ट विद एक्स वेरिएबल विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कोरिलेटेड विद वाई। जो एक वेरिएबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो या हाईली कोरिलेटेड हो विद वाई, उसे आपने स्टेज वाइज रिग्रेशन को स्टार्ट करना है। सेकंड पे एस्टिमेट द मॉडल को एस्टिमेट करें। थर्ड पे एस्टिमेट एरर्स। अब एरर्स को भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करें। नेक्स्ट पॉइंट है नाउ फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रेसिडुअल्स एंड अदर एक्स वेरिएबल सेपरेटली। अब जो एरर वैल्यूज़ हैं उनका और जो एस्टिमेट वैल्यूज़ हैं और जो बल्कि एक्स वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान कोरिलेशन को चेक करना। आपको ये भी बताया गया था कि एक्स वेरिएबल्स के दरमियान और एरर्स के दरमियान जब हमने ओएलएस की अजम्पशंस पढ़ी थी इनके दरमियान जो है कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये हाईली कोरिलेटेड है दिस मीन्स के डाटा के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अगर तो ये हाईली कोरिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, इसके फर्दर रेमेडियल मेजर्स को हैं उसकी तरफ फॉलो करेंगे, या हम इसके एक्स वेरिएबल को हम निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट कर दें तो उसके बाद क्या होगा, ऐड ए न्यू एक्स वेरिएबल, उसके बाद एक न्यू वेरिएबल को ऐड करेंगे इन मॉडल, चूज दैट एक्स वेरिएबल फॉर विच कोरिलेशन इन प्रीवियस स्टेप इज हाई, यानी कि वो वाला वेरिएबल लेंगे जिसकी वाई के साथ कोरिलेशन हाई होगी। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू हैव अ मॉडल विद ऑल सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है अनटिल के हम एक सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स के साथ मॉडल जो है वो हमें मिल जाए। ये आपके थे 4 स्टेप्स, इसको आपने करना है, ये आपने काम कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ, बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं कहता हूँ कि इससे मुश्किल चीज़ आपने आज तक देखी नहीं। अच्छा, ये है जी सबसे मुश्किल चीज़। अगर आपको याद आ गया हो, ये वही डाटा है जो आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपको दिया था एग्जांपल कि इस डाटा की बेस पर आप डाटा के अंदर मल्टीक्लिनिटी चेक करें और उसके अंदर अगर मल्टीक्लिनिटी आ रही है तो डिटेक्शन मेथड्स भी अप्लाई करें। ये आपको एग्जांपल दी थी और जो मैंने वीडियो आपको बनाई थी इस एग्जांपल के, जिस वीडियो में ये एग्जांपल थी, जाहिर है कि ये एग्जांपल थी जब आपके लिए ये सारा काम किया गया था रेमेडियल मेजर्स की जो वीडियो उसके अंदर। उसके बाद आपको मैंने ये डाटा दिया था, कहा था कि इसके ऊपर मल्टीक्लिनिटी के जो टेस्ट हैं वो अप्लाई करें, अगर तो मल्टीक्लिनिटी आ रही तो रेमेडियल मेजर्स के टेस्ट भी अप्लाई करके मुझे रिजल्ट जो हैं वो 45 मिनट्स में वो बताएं। अब ये 45 मिनट का बहुत लंबा काम था, ऑब्वियसली ये इतना लंबा काम है कि जी बंदा 20 दिनों में भी ना कर सके, क्योंकि आई थिंक मेरे अंदाजे से ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 10 तारीख का काम था। अब 27 तारीख हो गई, इससे रिलेटेड भी जो काम है अब इतना लेंथी काम है माशाल्लाह कि नहीं हो सका। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा इसलिए कि ये कितना लंबा काम है। सबसे पहले जो है
क्योंकि इसी के रिलेटेड आपको फर्दर मैंने असाइनमेंट दी थी। अगर डाटा जो है ऐड हो गया है आर के अंदर, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, क्योंकि उसके बाद तो सब जस्ट क्यूरीज होंगी। अब ये जो वाई की वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज हैं, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, कोई इतना ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम भी आपको एक एक मिनट लगेगा वाई की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू और सारी वैल्यूज़ को ऐड करने में। ये वाई की वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू वही है जो इधर, ये वाली वैल्यूज़ हैं 70, पहली वैल्यू 155 आखिरी वैल्यू वही है, और उसके बाद जी एक्स वन वैल्यूज़ हैं, एक्स टू वैल्यूज़ हैं, ये मैंने ऐड की हुई हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं अब इनके दरमियान तो आपने कोरिलेशन चेक करनी थी। कोरिलेशन के लिए आपको सबसे पहला जो मेथड आपको मैंने बताया था डिटेक्शन के लिए, ये है जी डिटेक्शन ऑफ मल्टीपलिनैरिटी, कि हम मल्टीपलिनैरिटी को डिटेक्ट कर सकते, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है जी हाई आर स्केयर बट फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशोज। अब आर स्केयर हाई होगा और उसके बाद जो है टी रेशोज सिग्निफिकेंट नहीं होगी। आर स्केयर के हाई होने का मतलब ये कि मॉडल बहुत अच्छा है, उसके अंदर जो टी वैल्यूज़ हैं वो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं, उनके जो हाइपोथेसिस होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट होने का मतलब है क्योंकि हाइपोथेसिस तो हम बनाते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो, बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, अल्टरनेट बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अल्फा ज़ीरो होने का मतलब ये है कि अल्फा का मॉडल के अंदर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, या बीटा वन का इक्वल ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इसका मॉडल के अंदर इफेक्ट नहीं है। ये चीज़ें आपने जो प्रीवियस जो है एक सब्जेक्ट पढ़ा है कोरिलेशन रिग्रेशन के हवाले से, ये सारा काम ये पैरामीटर्स की जो टेस्टिंग है वो आपने उधर की हुई है। अगर आपने नहीं की हुई तो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि सर हमने ऐसा किसी ऐसी इस किस्म का कोई काम नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो आपने मुझे बताएं कि हमने टेस्टिंग नहीं की, हमने जस्ट जो है वो सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन काम किया, इसके अलावा पूरे सेमेस्टर में कोई काम किए ही नहीं। अगर नहीं किया तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, बजाय कि आप इस तरह चुप बैठे हुए हैं कोई काम नहीं कर रहे, आप हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, मैं आपको वो भी करवा दूँगा। अगर आपने नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली मेरा कंसर्न है कि पहले आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनूँ, और उसके बाद जो रेलिवेंट टीचर जिसने भी अगर आपको पढ़ाया उससे भी पूछूं कि आपने वाकई ये काम नहीं करवाया, तब आपका बनता है चुप होना, या आप मुझे बल्कि कहें कि नहीं किया काम। अब ये पहला स्टेप है कि इससे हम मल्टीपलिनैरिटी को किस तरह चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइन थी प्रीवियस वीडियो में। अब आपको डाटा जो है यहाँ पर ऐड है, अब क्या है जी कि आपने सबसे पहले आर स्केयर चेक करना है, उसने कहा कि हाई आर स्केयर आ रहा है, हाई आर स्केयर। आई स्केयर भी के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर मॉडल को फिट करना, मॉडल फिट करने के लिए इक्वेशन इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ एल एम वाई एक्स वन कॉमा सॉरी एक्स टू। अब जो आर की ये जो कोड्स हैं ये भी आपने आर के सॉफ्टवेयर में पढ़े हुए, अगर नहीं पढ़े हुए ये भी मुझे बताएं कि जी हमने ये नहीं पढ़े, फिर मैं रेलिवेंट टीचर से भी वहाँ कंसर्न करूँगा कि जी आपने ये काम करवाया कि नहीं। अगर तो नहीं करवाया तो मैं गलती पे हूँ कि जी मैंने आपको ये काम क्यों दिया है, अगर तो करवाया है फिर ये आप खुद समझ। ओके, ये हमें रेग्रेशन एक मॉडल मिल गया, ये हमें वैल्यूज मिल गए। अब क्या है कि जी इसकी इसके अंदर जो है हमें टेस्टिंग करनी है, समरी आर ई जी, ये जो रिजल्ट्स हैं ये माशाल्लाह एक स्टेप के लिए हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर मल्टीप्लिनैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है ये सारा काम जहाँ पर इसी रिजल्ट्स के अंदर हमें पता चल जाएगा कि आर स्केयर हाई है और फ्यू टी रेशोज हैं, मतलब जो भी मामला है इसके अंदर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है जी, पहला स्टेप ये था कि हाई आर स्केयर आ रही है, अब मल्टीपल आर स्केयर की वैल्यू 0.9715, ये हमें बता रही है कि मॉडल के अंदर जो आर स्केयर वैल्यू है वो ज़्यादा हाई है। इसका क्या मतलब है कि जी गड़बड़ है, कोई ना कोई मसला है। अब दूसरी चीज़ है फ्यू टी रेशोस, टी की वैल्यू जो है वो कम होंगी। अब टी की वैल्यूज कम होने का भी क्या मतलब है कि जी
जो आपके हाइपोसिस हैं वो रिजेक्ट नहीं हुई। मतलब रिजेक्ट होने का क्या मतलब है कि अल्फा इक्वल टू जीरो था या बीटा इक्वल टू जीरो था, वो रिजेक्ट ना होने का मतलब है कि अल्फा और बीटा का जो फैक्ट है वो जीरो है, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है मॉलिक्यूल में। हालांकि आर स्क्वायर को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो पैरामीटर वो सिग्निफिकेंट हैं, उनका कोई इफेक्ट है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हाई आ रही है, क्योंकि आर स्क्वायर तो यही डिफाइन करता है कि जो वाई के अंदर जो वेरिएशन है वो कितने परसेंट डिफाइन हो रही है विद एक्स वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो देखें टेस्टिंग एक्स वन की टेस्टिंग, यहाँ पर टी वैल्यू ये है, टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू और टी स्टैटिस्टिक की ये वैल्यू, ये वैल्यूज दो हैं। यहाँ पर जो है पी की वैल्यूज हैं, ये वैल्यू आप देख लें, ये इनकी वजह से ये जो है ये हमारा जो है हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा। और जबकि यहाँ पर ये भी देखें ये वैल्यूज हैं, ये तीन वैल्यूज हैं पी की वैल्यू जिनको जो बता रही हैं कि कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं कुछ रिजेक्ट नहीं हो रहे। इंटरसेप्ट है पी वैल्यू, यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं ये भी वैल्यू है या टी की वैल्यू ये है। ये डबल स्टेरिक का मतलब ये है कि जो इंटरसेप्ट है वो रिजेक्ट हो रहा है, जबकि बल्कि ये यहाँ पर रिजेक्शन हो रही है, यहाँ पर रिजेक्शन नहीं हो रही, दो यानी कि मिक्स एक काम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आर स्केयर को देखते हुए तीनों वैल्यूज जो हैं ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होनी चाहिए थी, लेकिन तीनों वैल्यू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। एक दो वैल्यू जो है वो एक वैल्यू जो है वो एक कह रही है कि कुछ और कह रही है, जबकि दूसरी वैल्यूज कह रही है कुछ और कह रही है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। इसके अलावा जो उसने यहाँ पर डिफाइन किया गया था कि जी एफ टेस्ट के वाले से द एफ टेस्ट in most cases will reject the hypothesis that the partial slope quotients are simultaneously equal to zero. अब टी टेस्ट भी यहाँ पर कह रहा है कि जी यहाँ पर टी टेस्ट के अंदर डिफाइन किया जा रहा है कि जी अल्फाज या दूसरे वेरिएबल जो है कुछ वेरिएबल्स वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं और कुछ वेरिएबल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं हैं। लेकिन एफ टेस्ट क्या कह रहा है, एफ टेस्ट की वैल्यू यहाँ पर है 11.9 ऑन 2 and 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके लिए पी वैल्यू जो है ये एफ टेस्ट के लिए वैल्यू, उसके लिए पी वैल्यू क्या है जी 3.91 पावर जो है e की पावर माइनस जीरो सिक्स। मतलब ये कि वैल्यू जो होगी 0.000039 इस तरह आएगी, मतलब पी वैल्यू जो है बहुत कम है। अब पी वैल्यू के लिए लिहाज से भी हम टेस्टिंग करते हैं, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन वो हम डिफाइन करते हैं। पी वैल्यू अगर लेस देन अल्फा हो तो हम कहते हैं रिजेक्ट एच नॉट, ऑब्वियसली यहाँ पर जो पी वैल्यू है अल्फा से लेस है हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। एच नॉट हमारे पास क्या था, टेस्ट में क्या होता है कि ऑल पैरामीटर्स आर इक्वल टू जीरो, जबकि टी टेस्ट क्या कह रहे हैं कि ऑल पैरामीटर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जब हम अलग अलग टेस्टिंग की थी, यहाँ पर टेस्टिंग की थी यहाँ पर जो है ये टी वैल्यू इससे ग्रेटर है तो हम डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, जबकि यहाँ पर टी वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू जो है ये भी इससे ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पर भी डू नॉट रिजेक्ट हो रहा, एक रिजेक्ट हो रहा है बाकी दोनों एक्सेप्ट हो रहे हैं, जबकि एफ टेस्ट कह रहा है कि तीनों की वैल्यू जो है डू नॉट रिजेक्ट हो रही है, मतलब गड़बड़ आ रही है। तो इस वजह से ये क्यों आ रही, क्योंकि डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद है। ये तो हो गया जी फर्स्ट टेस्ट के जी मल्टीकुलरिटी मौजूद है। अब इसके अलावा क्या था जी, आपने चेक करना हाई पेयर वाइज कोरिलेशन अमंग रिग्रेसर्स, रिग्रेसर्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान हाई पेयर वाइज कोरिलेशन हो या सिंपल कोरिलेशन, तो वो भी मल्टीकुलरिटी का साइन। अब देखिए जी कोरिलेशन एक्स वन एक्स टू इसके दरमियान क्या कोरिलेशन हुआ, x1, x2 0.9, हमारे पास टू वेरिएबल्स ही इस एग्जांपल के लिहाज से थे, इसलिए मैंने टू के लिए हम यहाँ पर कोरिलेशन कैलकुलेट किए।
तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये कोरिलेशन वाकई दो वेरिएबल के दरमियान हाई है। दिस इज़ ऑल्सो साइन ऑफ मल्टी कोरिलेटिविटी। ये बहुत मुश्किल काम था जो मैं आपको करके दे रहा हूँ। यहाँ पर एक वैल्यू थी 0.82, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसे एक्सीड कर रहे तो हम कहते हैं कि जी मल्टी कोरिलेटिविटी मौजूद है। अब उसके बाद है हाई पेयर वाइज पार्शियल कोरिलेशन। इसी तरह हम दो वेरिएबल के दरमियान पेयर वाइज पार्शियल कोरिलेशन भी चेक करते हैं। पार्शियल कोरिलेशन के लिए जो डायरेक्ट मेथड है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आर स्केयर में, आर लैंग्वेज में। एक बल्कि मेथड होता है वो होता है पी कॉर। अब पी कॉर जो है उसके अंदर हम x1, x2 यहाँ पर लगाते हैं, इसे हमें पार्शियल कोरिलेशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कोरिलेशन जो है वो रिजल्ट्स मुझे नहीं मिल रहे क्योंकि पीक और यहाँ पर फंक्शन इंस्टॉल नहीं है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो मैंने इंस्टॉल भी किया था लेकिन मज़ीद रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आई थिंक कोई ना कोई मज़ीद कोई पैकेज इंस्टॉल होगा उसके बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, मैनुअली भी पीक पार्शियल कोरिलेशन का फार्मूला होता है, उसको आप मैनुअली इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं आर के अंदर, उससे भी आपको मल्टी कोरिलेटिविटी का पता चल जाएगा। उसके बाद जो है मेथड था जी ऑक्सिलरी रिग्रेसर्स। ऑक्सिलरी रिग्रेसिंग यानी कि ये जो रिग्रेसर्स के दरमियान जो हम मॉडल फिट करते हैं उसके लिए हमने टेस्टिंग करनी है। अगर एफ की वैल्यू जो है ये एक्सीड कर जाए क्रिटिकल वैल्यू से एट द चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन हम कहते हैं कि जी डाटा के अंदर मल्टी कोरिलेटिविटी मौजूद है। अब रिग्रेसर्स कौन से हैं यहाँ पर x1 एंड x2, इसके अंदर हमने मैं कहता हूँ जी REG इज इक्वल टू LM x1 x2, ये आपकी ऑक्सिलरी रिग्रेशन। ये रिग्रेशन के रिजल्ट्स यहाँ पर आ गए, ये हमें कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इनके दरमियान हमें आर स्केयर की वैल्यू भी चाहिए एफ टेस्ट में पुट करने के। ये वाला आर स्केयर यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाली वैल्यू, ओके आर स्केयर की वैल्यू हमें मिल जाएगी समरी में से। आर ये जो मॉडल हमने ऑक्सिलरी रिग्रेशन अप्लाई किया था इसके लिए आर स्केयर वैल्यू मिल गई है 0.997। इसको आपने आई थिंक इसको आप यहाँ पर एफ टेस्ट यहाँ भी डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि एक दफ़ा इसको आप मैनुअली कर लें। मैनुअली यानी कि आर स्केयर की वैल्यू मिल गई डिवाइड बाय के माइनस टू, के यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस टू, डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्केयर एन माइनस के प्लस 1, एन नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस के प्लस 1। यहाँ पर के जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होंगे और उसके बाद जो है एन जो होंगे नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे। ऑक्सिलरी रिग्रेशन वन वे ऑफ फाइंडिंग द एक्स वेरिएबल इज रिलेटेड टू द अदर एक्स वेरिएबल इज टू रिग्रेस ऑन एक्स वाइज, एक्स वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को रिग्रेस करते हैं। ये आर स्केयर को आप कैलकुलेट कर लेंगे मैनुअली, आप के माइनस वन भी कर लेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर जो के हैं वो आपके पास ऑक्सिलरी के लिहाज से एक एग्जांपल में वन वेरिएबल है तो आप वन माइनस टू कर देंगे, बल्कि अगर टू वेरिएबल्स और टू माइनस टू बल्कि ज़ीरो हो जाएगा तो ये बल्कि मैं आपको एक दफ़ा टू वेरिएबल्स के लिहाज से आपको कंफर्म करके एक दफ़ा रीचेक करके बताऊंगा वो अगर आपके पास टू वेरिएबल्स हों उसको आप कैसे चेक करेंगे। अच्छा इस तरह अगर वन वेरिएबल हो तो यहाँ पर तो वन वेरिएबल है, आप एफ की वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज़ नहीं, क्रिटिकल वैल्यू आपको वो भी आप देख लेंगे या तो आर टेबल से चेक कर, सिंपल टेबल से चेक कर लेंगे, आर प्रोग्राम से चेक कर लें। अब उसके बाद जो है वो आपने प्रोसेस आपने जो मैंने आपको सेपरेट आपको मैंने कॉपी पर कहा था वो आपने सारा करना है कि हाई प्रोसेस बनाने है, एल्फा की वैल्यू लगानी है, सारा टी स्टडी एफ स्टैटिस्टिक जो है उसके लिए भी आपने वैल्यूज लिखी है। अब जो बल्कि जो दो स्टूडेंट ने मुझे
असाइनमेंट सेंड की है, उसने भी उन्होंने भी ज़्यादातर आर के ऊपर काम करके ही सेंड किया है, जबकि मैंने कहा था कि आपने आर के ऊपर काम करके उस क्यूरीज को असाइनमेंट के लिहाज से पेपर के ऊपर लिख के उसके हाइपोथेसिस बना के रिजेक्ट हो रहे एक्सेप्ट हो रहे मुकम्मल काम करके दे, लेकिन उन्होंने जस्ट आर के लिहाज से कोडिंग वगैरह और कुछ नीचे राइट अप करके दे दिया है। खैर उन्होंने मुकम्मल काम तो ठीक नहीं किया, लेकिन बाकी पूरी क्लास से वो बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने कुछ किया तो है। अच्छा ये टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद है जी बस ये तीन चीज़ें जो आप कर सकते हैं, इसके चार चीज़ें इनके लिहाज से आप चेक कर सकें। आप चार ना लगाएं, तीन टेस्ट कोई लगा लें इनमें से जिनसे आप मल्टीप्लेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तीन ही तो कम अज़ कम दो तो लगाएं, करें तो सही कुछ तो करें जी। बल्कि जिस दिन मैं एग्जांपल दी थी आपको, मैंने वहाँ उस दिन कहा भी था कोई एक दो लगा लें टेस्ट। अब आप देख रहे हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है, ये तो मेरे एक्सप्लेन करने में टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये कितना टाइम लगा है ये आर के ऊपर आपके सामने। अब उसके बाद रेमडियल मरीज हम किस तरह इसको रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर पहले मेथड में ये भी लिख सकते हैं कि डू नथिंग, क्योंकि ये डाटा के अंदर मौजूद होती है, ये एक सैंपल फिनोमेना है मल्टीपोलैरिटी। तो हम सम केसेस में ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी रेमडियल मरीज को यूज़ ना करें। अब उसके बाद क्या है जी, सेकेंड कोई मेथड ड्रॉप ए वेरिएबल एंड स्पेसिफिकेशन वाइज, हम एक वेरिएबल को ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं डाटा के अंदर वेरिएबल है कि नहीं, मल्टीपोलैरिटी है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक वेरिएबल का ड्रॉप करने से मल्टीपोलैरिटी आती है कि नहीं आती। अब सबसे पहले रिग्रेशन में अप्लाई करूँगा, ड्रॉप करते मैं एक्स टू वेरिएबल को ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद जो है आर उसको मैं चेक करता हूँ वाई एक्स वन। ये अब सिर्फ एक वेरिएबल के लिहाज से मैं काम कर रहा हूँ, एक वेरिएबल के लिहाज से जब हम चेक किया तो आर स्क्वायर आ गया 0.97, कोई ज़्यादा तक नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब दोनों वेरिएबल जो हैं टी वैल्यू, यहाँ पर भी ये इससे भी ग्रेटर है और ये वाली भी, ये भी ग्रेटर, यानी कि दोनों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। और जो है एफ स्टेटिस्टिक, इसकी ये जो वैल्यू है ये 272 है, और डिग्री फ्रीडम पी वैल्यू जो है यहाँ पर 0.000007 आ रही है। पी वैल्यू को हम कहते हैं अगर लेस देन अल्फ़ा हो तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये लेस देन अल्फ़ा ही है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे हाइपोथेसिस को कि जी हाइपोथेसिस जो कह रहा था कि जी ऑल वेरिएबल्स आर नॉट रेलिवेंट, जबकि एफ टेस्ट कह रहा है कि ऑल वेरिएबल्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। और यहाँ पर भी जो है दोनों हाइपोथेसिस जो हैं दोनों रिजेक्ट हो रहे हैं कि जी टी वैल्यूज फिर ये ग्रेटर हो इससे तो हम रिजेक्ट करते हैं, दोनों रिजेक्ट हो रहे हैं, दोनों वैल्यू से ग्रेटर है। यहाँ पर भी रिजेक्शन हो रही है, यहाँ पर रिजेक्शन हो रही है, मतलब मामला किसी न किसी तक हद तक ठीक हो गया है। और एक वेरिएबल को एक्सक्लूड करने से भी आर स्केल पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ गया, मतलब ये एक रेमडियल मेजर हमने यूज़ हमारी हो सकती है। जो वेरिएबल को हमने निगलेक्ट किया है वो एक डिटरमेंटल वेरिएबल नहीं है कि मतलब उसके एक्सक्लूड करने से भी आर स्केल पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। अब ये देख लें, आप नोट करते जाएं कि कितना ज़्यादा हमारा टाइम लग रहा है। आपसे 10 तारीख से 27 तारीख के दरमियान काम नहीं हुआ और मैं 27 तारीख तक की बैठा बैठा कुछ देर में काम कर रहा हूँ, या पता नहीं 20 दिन हो गए मैं बैठा काम कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा। ओके, यहाँ पर एक और मेथड है यूज़ ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन, आप प्रायर इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे डाटा के अंदर हमारे पास कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो हम इस मेथड को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, आपके असाइनमेंट के लिए भी हम इसको स्किप कर सकते हैं। एडिंग और न्यू वेरिएबल डाटा, हम डाटा के अंदर कोई और वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद भी हम चेक कर सकते हैं कि जी डाटा के अंदर मल्टीपोलैरिटी आ रही है कि नहीं, क्योंकि जो मल्टीपोलैरिटी ये एक सैंपल फिनोमेना है, सैंपल के इंक्रीज डिक्रीज होने से ये इसके अंदर इफेक्ट आता है। हम मेरे पास यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं वाई, मैं इसके अंदर अपनी तरफ से कोई डाटा ऐड कर देता हूँ वाई कॉमा, मैं अपनी तरफ से पांच पांच वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ 5 1 2 3
एक ये फाइल वेरिएबल, ये एक वाइब न्यू एक वेरिएबल हो गया, ये आखिर पे आप देख सकते हैं पांच वेरिएबल। अब इसी तरह एच वन वेरिएबल है जो इसके अंदर भी मैं ऐड कर देता हूँ कोई वेरिएबल, एच वन कॉमा ये पांच वैल्यूज अपनी तरफ से मैं ऐड कर दी। एक्स टू वेरिएबल है, इसके अंदर भी कोई ना कोई वैल्यूज मैं ऐड कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ऐड कर रही हूँ। न्यू वैल्यूज हमें मिल गई, अब दोबारा रिग्रेशन अप्लाई कर लें। ये ने जी न्यू डाटा ऐड किया था, लेकिन उसके बाद भी जो आर स्केयर है 0.98 आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, अगेन गड़बड़ आ रही कि एक तो रिजेक्ट हो रहा है बाकी सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर एफ टेस्ट भी रिजेक्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि डाटा के अंदर स्टिल मल्टीपलिटी मौजूद है, न्यू ऐड करने से भी इसके अंदर इफेक्ट नहीं है, मतलब स्टिल मल्टीपलिटी वेरिएबल है, क्योंकि वैल्यू तो हमने अपनी तरफ से ली थी, ये जस्ट और प्रैक्टिस के लिए हमने काम किया। ओके ये जो काम किया है इसको आपने साइड पेपर पे भी लिखना है, और उसके बाद नीचे ये जो टेस्टिंग हो रही मुकम्मल हाइपोथेसिस स्टेप लिखने जो असाइनमेंट हो रही, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर भी यही काम है, ये मैं आपकी असाइनमेंट को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने ये काम बिल्कुल नहीं करना था, आपकी माजरत को देखते हुए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने आपको ग्रुप में भी कहा था मैंने काम नहीं करके देना। ये मेथड भी हो गया जी, ओके ये काम आपका कंप्लीट है। अच्छा वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक इधर वो मुझे मिल नहीं रहा, या आई थिंक मैंने आपको वो पढ़ने के लिए दिया था। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर उसका यानी कि फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको इधर मैं दिखा देता हूँ, अगर मैंने नहीं भी करवाया चैप्टर 10 में ही है, रिग्रेशन के चैप्टर में वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर, मैं इसको यहाँ पर सर्च आउट कर रहा हूँ।
ये वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर फॉर्मूला भी लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ पे कहीं। अच्छा फॉर्मूला इसका होता है यानी कि यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा, मे भी उसने थ्योरी में डिफाइन किया हो, वन माइनस वन वन ओवर वन माइनस आर स्क्वायर, उसके लिए वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर होता है वन डिवाइड बाय, आपको मैं इंटरनेट पर भी इधर फैक्टर ये देखिए वन डिवाइड बाय वन माइनस, यहाँ पर ये आर स्केयर लिया जाता है और उसके बाद ये आर स्केयर वो होता है जो ऑक्सिलरी एग्रेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। ये अगर ये आपको नज़र आ रहा हो तो ये लिखा होगा फार्मूला, ये फार्मूला होता है वन ओवर वन माइनस आर स्केयर, ये आर स्केयर होता है ऑक्सिलरी एग्रेशन से जो कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू वन से टेन के बिटवीन है हम कहेंगे जी कि डाटा के अंदर मल्टीपलैरिटी मौजूद नहीं है, अगर टेन से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि डाटा के अंदर मल्टीपलैरिटी मौजूद है। तो मैं यहाँ पर एक्स वन वेरिएबल और एक्स टू वेरिएबल, अब मेरे पास ओरिजिनल वेरिएबल तो नहीं है तो वही वेरिएबल के ऊपर मैं रिग्रेशन अप्लाई करता हूँ और फिर देखता हूँ वी एफ की वैल्यू क्या आती है। रिग्रेशन एल एम एक्स वन एक्स टू ऑक्सिलरी रिग्रेशन एस यू समरी रिग्रेशन ओके, यहाँ पर आज करके वैल्यू देखिए। अच्छा एक्स वन ये आपको कहा है जो आज केयर की वैल्यू है ये आपने उसकी लेनी है जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन में से होगा, ऑक्सिलरी रिग्रेशन में से ये वैल्यू वो आ गई, वो हमने रिग्रेशन अप्लाई की थी उसका आज केयर आ गया 0.991। अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है यानी कि वी आई एफ इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय वन माइनस 0.991। अगर इसकी वैल्यू वी एफ की 10 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे जी डाटा के अंदर मल्टीपलैरिटी मौजूद है। वैल्यू आपके सामने, डिसीजन आपका है क्या ये 10 से ग्रेटर है कि नहीं, अगर ये 10 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे डाटा के अंदर वाकई मल्टीपलैरिटी मौजूद है, अगर नहीं तो डाटा के अंदर मल्टीपलैरिटी मौजूद नहीं है। हमें प्रीवियस रिजल्ट ये वाले भी बता रहे थे कि डाटा के अंदर मल्टीपलैरिटी मौजूद है और ये वी एफ ये भी बता रहा है कि डाटा के अंदर मल्टीपलैरिटी मौजूद है। ये माशाल्लाह काम था जी आपका, जिसके लिए 17 दिनों तक दो असाइनमेंट्स मिले, असाइनमेंट आपकी वो भी यही पड़ी है, यही है मेरे ख्याल। हाँ जी ये ऊपर वाला काम ये तो जस्ट कुछ भी नहीं, अगर मुश्किल भी हो तो कॉपी पेस्ट, ये सारा काम यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर अगर आप बुक में देखें सारी यहाँ पर हेडिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, नीचे रेमडियल मेयर्स उसका टॉपिक जो है ये रेमडियल मेयर्स है, इसके अंदर ये तो जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करनी थी, एक समझना था चीज़ों को, ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह वेरिएबल है, कम्बिनेशन है, क्रॉस सेक्शनल है, आगे डाटा ये पड़ी है उसकी है ये सेकंड नंबर पे। ये फोर नंबर पे ये भी है, इसी तरह तीसरा भी ये भी। अब इसके अलावा जो काम था जी आपका क्वेश्चन नंबर टू और थ्री, थ्री के अंदर जो काम था वो ये था एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल 10.8 एग्जांपल का डेटा, एग्जांपल 10.8। अच्छा मेरे पास जो बुक है उसका एडिशन कुछ और है, ये जो बुक है इसका एडिशन कुछ और है, इसकी वजह से आपको मेरे ख्याल से वो डाटा के अंदर प्रॉब्लम आई थी, वो बाद में फिर मैंने आपको टेबल को सेंड कर दिया था। एग्जांपल 10.8
ये डेटा, ये बोल के 10 अच्छा, ये डाटा था आपके पास 10.8 मैंने लिखा हुआ था, लेकिन बुक ये मैंने हैंड बुक मेरे पास थी उसके लिहाज से, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम थी तो ये मैंने सेंड कर दिया, क्योंकि इसके और दूसरी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस था। ये आपको मैंने सेंड किया था, इसके लिहाज से आपको मैंने कहा था कि जी आपने मल्टीपलैरिटी को चेक करना है, उसके लिए मेल मेजर्स को वो भी चेक करना है। अब जिस तरह मैंने आपको आर्ट्स ऑफ करने अभी जो उसमें दूसरी एग्जांपल है उसके मुताबिक ही यही काम आपने इधर करना था। अब एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स। आप मुझे खुद बताएं कि इज इट डिफिकल्ट, ये कोई काम है कि आपको लीनियर रिग्रेशन को एस्टिमेट करें? ये जो रिग्रेशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये एस्टिमेट ही है, रिग्रेशन में जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं ये इंटरनेट की फाइंडिंग्स जो भी हैं इनको एक्सप्लेन करना, आई डोंट थिंक सो इसके ये कोई मुश्किल काम है। कंस्ट्रक्ट है कोरिलेशन मैट्रिक्स अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कमेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो भी हैं ये वाले इसके x1, x2, x3, x4, 2x5, इसके लिहाज से आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना। कोरिलेशन मैट्रिक्स ये भी आपने बनाया होगा, यहाँ पर भी मैं आपको चले बना के दिखा देता हूँ कि जी के को मैं क्या एज ए वेरिएबल एक वेक्टर ले लेता हूँ माइनस सी x1, x2, ये कोरिलेशन के, सॉरी इसको पहले मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा, कोरिलेशन में मैट्रिक्स में कैसे मैंने चेंज किया, यानी कि के के अंदर यहाँ पर पहले दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, उसको मैंने मैट्रिक्स में चेंज किया, के यानी कि इस वेक्टर का मैट्रिक्स बनाए 15 रो के साथ भी 2 कॉलम्स। ऑब्वियसली अब ये एक x1 वेरिएबल भी बन गया, अब ये x2 वेरिएबल बन गया मैट्रिक्स के अंदर। अब इसकी कोरिलेशन मैट्रिक्स हमने कैसे, ये COR बल्कि MN इसको स्टोर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के कॉमा 15, 2 कोरिलेशन MN, ये जी आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स बन गया। अब कोरिलेशन मैट्रिक्स ये जस्ट आपको कहा था सेकंड स्टेप में आप कैलकुलेट करें
आपको कहा था दरमियान वाली डायगनल ये जो वैल्यूज ये ऑलवेज वन होती, मतलब पहली वैल्यू ये जो है ये एक्स वन की कोरिलेशन होगी एक्स वन के साथ, और दूसरी वैल्यू होगी एक्स वन की कोरिलेशन विद एक्स टू वेरिएबल। ऑब्वियसली ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, यहाँ पर एक्स टू की कोरिलेशन एक्स वन के साथ, वेरिएबल सेम है इसलिए आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला मुश्किल काम क्या था आपका, इंतहाई मुश्किल काम, अप्लाई द डिफरेंट मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ मल्टीपोलैरिटी एंड मार्क दोज वेरिएबल विच आर कोलिनियर। डिटेक्शन मेथड आपको बता दिए हैं, जो वेरिएबल्स कोलिनियर बन रहे हैं जिनकी हाई कोरिलेशन आ रही है उनको आपने बता देना था विद स्टेटमेंट्स। अप्लाई एनी रेमेडियल मेजर्स टू डिक्रीज द मल्टीपोलैरिटी, ये भी काम मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। अब अच्छा एक ये क्वेश्चन था सॉल्व क्वेश्चन 10.27 ये क्वेश्चन था, इसके अंदर कौन सी ब्लॉक थी, अच्छा ये सेम था टेबल 10.12 गिव्स डेटा ऑन इम्पोर्ट्स जीडीपी एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये टेबल नीचे ही गिवन है 10.2। इसके अंदर क्या था जी कि इस टेबल को देखते हुए जीडीपी या कंज्यूमर सीपीआई जो है यूनाइटेड स्टेट का ओवर पीरियड ये है गिवन है योर आस्क, आपने इंपोर्ट्स को क्या करना था रिग्रेस करना था जीडीपी एंड सीपीआई, लॉग ऑफ जीडीपी एक वेरिएबल ले लेना था, लॉग ऑफ इंपोर्ट्स वेरिएबल एंड लॉग ऑफ सीपीआई। ये इंपोर्ट्स का वेरिएबल इसको ऐड कर लेना था, जीडीपी सीपीआई इसको सबको आर के अंदर ऐड कर लेना था। मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास जो इस पर तीन वेरिएबल यहाँ पर मौजूद है, वाई वेरिएबल है, एक्स वन है एंड एक्स टू है, इनमें से एक जो है वाई मेरा इंपोर्ट्स है, एक्स वन मेरी जीडीपी है और एक्स टू मेरा सीपीआई। फॉर एग्जांपल वो कहता है लॉग मॉडल को लॉग के ऊपर अप्लाई करना, हम जी लॉग कर लेते हैं, इसके अंदर क्या काम है एल एन एल वाई कर लें इज इक्वल टू एल एन वाई, ये लॉग यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है एक वेरिएबल की, तो लॉग सॉरी ये लॉग का आपका एक वेरिएबल बन गया, ये एन वाई इज इक्वल टू यहाँ पर लॉग आना था एल ओ जी लॉग वाई, ये एक वेरिएबल एल वाई मिल गया जिनके लॉग ऑफ वो जो इंपोर्ट्स वगैरह था वो आपको मिल गया, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा सी पी आई है उसके लिए भी आपने एल सी कर लें इक्वल टू लॉग ऑफ इक्वल टू लॉग एक्स वन, समझ में ये सी पी आई वेरिएबल है, आपको वेरिएबल मिल गया एल के इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू, तीनों वेरिएबल मिल गए। आप जी सौखा सा काम है, मॉडल उसने जो कहा वो अप्लाई कर दें, आर ए जी कोई भी वेरिएबल लिखते, मैं तो आर ए जी वैसे ही लिख रहा हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं एल एन। अब तीन वेरिएबल कौन से थे, एल वाई मैंने लिया था इसको रिग्रेस करना है, एल सी प्लस एल के, रिग्रेशन अप्लाई होगी, मेरा ख्याल है कि 10 दिन हो गए मेरे मुझे काम करते हुए, मुझे काफ़ी लंबा टाइम था काम था। ये लें जी ये मॉडल कहा गया था इसी तरह बनाने को और वही मॉडल वेरिएबल बन गया, बस मैंने वेरिएबल दूसरे लिए, आप वेरिएबल उठा के आप ले लेंगे। एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल यूजिंग द डाटा, हो गया ये काम। डू यू सस्पेक्ट दैट देयर इज मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी चेक कर लेनी है, रिग्रेस वही आपने काम करना है लॉग ऑफ वाई। अब दो यानी कि ऑक्सिलरी रिग्रेशन की तरफ या सिंपल एल एन कोर्स जो थी उनको रिग्रेस करना है,
एल एन जी डी पी इसके लिहाज से मॉडल बनाने में, दूसरे दो वेरिएबल के लिहाज से, फिर थर्ड वेरिएबल आपको ने बता दिया कैसे बनाने के लिहाज से आपने इन तीनों को बना लेना है वेरिएबल्स को। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिग्रेसेस, इन रिग्रेसेस की बेस पर आपने मजीद काम कर लेना है, मल्टीप्लिकेटी चेक कर लेनी है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और 10.33 ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपको मैंने सेपरेट सेंड किया था, उसका भी आपने इसी तरह काम करना है। अगर अब भी ना आप काम करो ना तो मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ, अब मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता जो मेरे जहन में हो। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।